हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज आपको बताने वाला हूं पंच देव कौन होते हैं, उनके क्या नाम है और इनकी आराधना सभी पूजा और मांगलिक कार्यों में की जाती है। तो पंच देव कौन होते हैं ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। हिंदू धर्म में कोई भी नया कार्य करने से पहले सर्वप्रथम देवी देवताओं का आवाहन और पूजन किया जाता है। हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले पंचदेव की पूजा का विधान बताया गया है। इन पंचदेवों का उनके मंत्रों द्वारा आवाहन किया जाता है। जल से आचमन कराने के पश्चात पंचोपचार विधि से उनका पूजन किया जाता है। मांगलिक कार्यों से पहले पंचदेवों का पूजन करने से सारे कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन है पंचदेव। पंचदेव में भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और आदिशक्ति माँ दुर्गा को पंचदेव माना गया है। हर शुभ कार्य में इनके पूजन का विधान है। सबसे पहले भगवान गणेश, तत्पश्चात शिव जी, माँ दुर्गा और विष्णु जी तथा सूर्य देव का पूजन किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पंचदेवों की पूजा का क्या महत्व है। संसार में देव पूजा को स्थायी रखने के उद्देश्य से वेदव्यास जी ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग पुराणों की रचना की। अपने अपने पुराणों में इन देवताओं को सृष्टि को पैदा करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला अर्थात ब्रह्मा माना गया है। पंचदेव पंचभूतों के अधिष्ठाता स्वामी हैं। पंचदेव आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि और इन पंचभूतों के अधिपति हैं। आइए जानते हैं किस तत्व के देवता कौन है। भगवान सूर्य देव वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी अर्घ्य और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है। गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सबसे पहले जल तत्व ही था। शक्ति देवी जगदम्बा अग्नि तत्व की अधिपति हैं, इसलिए भगवती देवी की अग्निकुंड में हवन के द्वारा पूजा करने का विधान है। भगवान शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति है, इसलिए उनकी शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। विष्णु आकाश तत्व के अधिपति है, इसलिए उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। आइए जानते हैं पंचदेवों के उपासक क्या कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई शिव की पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु की, तो वे लोग क्या कहलाते हैं। भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। भगवान शिव के उपासक शैव के नाम से जाने जाते हैं। गणपति के उपासक गणपते कहलाते हैं। भगवान सूर्य के उपासक सौर होते हैं। शक्ति यानी देवी के उपासक शाक्त कहलाते हैं। आइए जानते हैं सभी पंचदेवों के बारे में। गणेश जी सभी देवों में प्रथम पूजनीय है, इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है जिससे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा दोनों से ही सृष्टि का आरंभ है। यह समस्त जगत के माता पिता हैं। माँ दुर्गा स्वयं प्रकृति हैं, तो भगवान शिव देवों के भी देव है। जीवन और काल भी इन्हीं के अधीन है। भगवान श्री हरि विष्णु समस्त जगत के पालन करता है। सृष्टि के संचालन का भार इन्हीं पर है, इसलिए हर शुभ कार्य में विष्णु जी की पूजा करने का प्रावधान है। देवउठनी एकादशी से विष्णु जी के जागृत होने के बाद ही मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। भगवान सूर्य नारायण, सूर्य से ही सारी सृष्टि पर प्रकाश है। सूर्य ही एक ऐसे देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। प्रकाश प्रदान करने वाले जगत के स्वामी भगवान सूर्य की पूजा इसलिए ही की जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे पंच देव कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आगे भी आपको अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। जय मां काली, जय महाकाल।